सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जाके सेट कर देना, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा, हम आर्डिनो चेसिस की कार बनाते हैं, जो चेसिस आती है उसकी हम आज के इस वीडियो में असेंबलिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता आएगा कि ये किस प्रकार से पैकिंग आती है, आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा कि किस प्रकार से ये पैकिंग आती है और हम इसे कैसे बना लेंगे। तो भाई लोग, आपको भी जानना है इसे कैसे असेंबल करना है, तो वीडियो को अंत तक देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो चैनल पर नहीं हो तो पक्का ही सब्सक्राइब कर देना, और जिसने नहीं किया तो भाई लोग वो तो कर ही दो प्लीज़, एंड लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो आपको भी जानना है इसे कैसे बनाना है, तो एक छोटे से इंट्रो के बाद देखेंगे इसे कैसे बनाना है। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद इसे कैसे बनाना है। तो आप सभी का छोटे से इंट्रो के बाद स्वागत है। ये भाई लोग, इस प्रकार से हमारी पूरी पैकिंग टाइप की आती है ये चेसिस के। ये इसका ऊपर कागज़ लगा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये आगे पीछे दोनों को आपको निकाल लेना है, ये इस प्रकार से कागज़ को। ये मैंने आपको नहीं निकाल के दिखाया क्योंकि ये मेरे को बहुत टाइम लगा था इसे निकालने में। आपको आराम आराम से निकालना है, इसका पीछे का भी मैं निकाल लूँगा। ये कुछ इस प्रकार से निकालने का, इस प्रकार से लगेगा। ये दो पीस मिलते हैं एक पूरे सेट में। ये भाई लोग, मेरे को 480 रुपीज़ का पड़ा है, लाजपत राय मार्केट में गया था वहाँ से लेके आया। ये कुछ इस प्रकार से इसके साथ कंपोनेंट्स भी मिलते हैं। इसका भी आपको इसी प्रकार से पेपर टाइप का उतार देना होता है इसका भी। इस भाई लोग, इसके साथ हमें एक पूरा किट मिलता है और दो चेसिस और चार मोटर और चार व्हील्स इसके साथ आते हैं। एक पूरा सेट का आता है जिसमें नट बोल्ट, बैटरी होल्डर, जो वो मोटर का थोड़ा सेफ्टी गार्ड टाइप का होता है वो, ये सब मिलता है उसके सेफ्टी मतलब कि किट में। ये कुछ इस प्रकार से उतारने का, ये भी ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। ये मैं सारे का उतार लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ये मैंने सारे का उतार लिया है, जैसे कि देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार से लगेगा। अब भाई लोग, ये मैंने उसी पैकेट के अंदर ये नट बोल्ट मिलते हैं हमें, ये दो मैंने नट बोल्ट ले लिया, और एक में कुछ इस प्रकार से आपको अंदर लगा देना दोनों में, जो कि इस प्रकार से आपको मोटर के अंदर लगेगा। ये भाई लोग, आपको स्क्रू से अच्छे से कस लेना है। किसी किसी मोटर में आपको स्क्रू से कसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी किसी मोटर में कसनी पड़ेगी। मेरे को कसना पड़ा था, ये मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे को इस कसने में बहुत टाइम लग रहा था। तो आप आराम से कस लेना इसे, मैं कसने के बाद आपसे मिलता हूँ। ये मैंने पूरा आर पार मतलब मोटर की धज्जियाँ उड़ा दिया, मर्डर कर दिया मैंने मोटर का। भाई लोग, कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है। उसका एक और इसके साथ आपको लेना है। अब इसके साथ आपको चेसिस भी ले लेनी है। आपको कुछ इस प्रकार का होल दिख रहा होगा, आपको उसके अंदर डाल देना है, और जो दो नट बोल्ट है फिर से उसके अंदर डाल देना है, और इसके ऊपर एक हमें नट मिलेगा। ये दो नट मिलते हैं इसके साथ, मतलब दो नहीं बहुत सारे नट मिले थे। आपको कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर बोल्ट के ऊपर इस प्रकार से लगा करके इसे घुमा देना है, और मैं प्लास की सहायता से इसे टाइट कर लूँगा अच्छे से। भाई लोग, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। इसे भी मैं नीचे वाले को भी अच्छे से मैं टाइट कर लगा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और इसको साथ ही साथ अब मैं भाई लोग इसे प्लास से अच्छे से इस मोटर को अच्छे से टाइट कर लेता हूँ, जिससे कि ये बाहर ना निकले। और यही मैं आपको इजीली बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड बेकार लग रहा है तो भी कमेंट करके बताना कि इस चीज़ वीडियो में क्या ख़राबी है। ये मैंने अच्छे से टाइट कर लिया इसको, आपको भी इसी प्रकार से टाइट कर लेना है इसे अच्छे से, और नीचे वाले को भी अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। ये मैंने टाइट कर लिया अच्छे से। अभी चारों होल दिख रहे हैं, चारों तरफ मैं लगा लूँगा। ये मैंने चारों तरफ लगा लिया, आपको भी इसी प्रकार से लगा लेना चारों तरफ। उसका ये हमें इसका एक प्रोटेक्टर टाइप का दिया होता है, कुछ इस प्रकार से आपको रख करके यहाँ पे इसे प्रोटेक्टर के तौर पर इसे लगा देना चारों तरफ। ये भाई लोग, आपको उसी किट के अंदर मिल जाएगा, जो कि मेरे को लाजपत राय मार्केट से 480 रुपीज़ का पड़ गया है। ये मैं चौथा तरफ लगा लिया, आपको भी लगा लेना है। उसके बाद भाई लोग, ये भी एक आपको उसके अंदर मिल जाएगा। अब भाई लोग, आपको दूसरा चेसिस लेना पड़ेगा इसके लिए। वो वाला चेसिस अभी हमने साइड कर लिया है,
उसके बाद भाई लोग इस तरीके से हमने एक नट बोल लगा दिया और ये आपको कुछ इस प्रकार से रख करके घुमा देना अच्छे से कुछ इस प्रकार से। इसके भाई लोग छः हमें इस प्रकार के नट बोल मिलते हैं, ये मैं छः मतलब छः के छः लगाने पड़ते हैं इसके अंदर, मैं छः के छः लगा देता हूँ। फिर आपको देख लेना है कि ये मैंने किस प्रकार से लगाया, आपको भी इसी प्रकार से लगा लेना है। ये भाई लोग चार कोने पे और दो बीच में लगते हैं, आप वीडियो देख लो ये किस प्रकार से मैंने लगाया है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कुछ इस प्रकार से एक मतलब कि एक तरफ से हमने दो पीस लगा लिया, अब इस तरफ से भी हम दो पीस लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी आपको इसी प्रकार से लगा लेना है, दूसरी तरफ मैंने पूरा लगा लिया है। अब भाई लोग बीच की तरफ भी हमें इसे लगाना है, ये कुछ इस प्रकार से बीच की तरफ भी इस प्रकार से रख करके लगा देना है इसे। कुछ इस प्रकार से बीच में भी मैंने लगा लिया, आपको भी इसी प्रकार से लगा लेना है। उसका ये मैंने दूसरा वाला चेसिस ले लिया, कुछ इस प्रकार से रख करके आपको फिर से बोल्ट ले लेना है जो कि इसी के साथ मिलेगा। बोल्ट भाई लोग थोड़े से एक्स्ट्रा भी होते हैं इसमें, क्योंकि मेरे को इसमें चार बोल्ट और पांच नट इसके साथ हमें एक्स्ट्रा मिला है मेरे को, आपको देख लेना है आपको कितने मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपको इसके अंदर होल होता है, जो प्रिंट इस तरफ होता है वही प्रिंट दोनों चेसिस में होता है वैसे तो। कुछ इस प्रकार से आपको रख करके स्क्रू की मदद से इसे टाइट कर लेना अच्छे से। चेसिस भाई लोग सेम ही आते हैं, कोई अलग नहीं आता, ज़्यादातर ये एक ही टाइप के चेसिस ही आते हैं। कुछ इस प्रकार से हर चार मतलब कि ये छः पॉइंट पे आपको अच्छे से लगा लेना है, ये मैंने छः पॉइंट पे अच्छे से ये बोल्ट लगा लिया अच्छे से, आपको भी इसी प्रकार से लगा लेना है। ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। उसके बाद भाई लोग ये बैटरी बॉक्स भी हमें इसके साथ मिलता है, क्योंकि भाई लोग इन्होंने बड़ा ही बेकार बैटरी बॉक्स दिया है हमें, क्योंकि भाई लोग ये AA पोर सेल इनबिल्ड करता है। हमें आर्डिनो के लिए भाई लोग लिथियम आयन सेल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये लिथियम आयन सेल का होल्डर नहीं है, ये AA पोर बैटरी का होल्डर है जो कि हमारे काम नहीं आने वाले। तब भी मैंने मतलब कि हमें इससे मिला था, मैंने इस पर लगा के दिखा दिया आपको, आपको अगली वीडियो में नहीं मिलेगा ये, आपको हम अपना ही एक होल्डर बनाएंगे बैटरी का। कुछ इस प्रकार से मैंने दो तरफ रख लिया और उसे इसके पीछे मैंने नट लगा दिया है, जैसे कि दो बोल्ट लगाया था उसके ऊपर, उसके पीछे मैंने दो नट लगा लिया। कुछ इस प्रकार से हमारा बन गया। उसके बाद ये व्हील्स भी इसी के साथ मेरे को मिला थे, कुछ इस प्रकार से रख करके आपको लगा लेना है। भाई लोग कैमरे पे इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई लोग ये थोड़ा सा रिस्की था, मैं दबाव डालता तो ये टूट भी सकता था, तो मैंने इसे अच्छे से कैमरे के पीछे लगा लिया अच्छे से। ये भाई लोग इसी के लिए मोटर आता है, कोई दूसरा मोटर नहीं लगता इसके अंदर, इसी के लिए होता है तो इसी के अंदर लग जाएगा आपको इजीली, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ। फेक वीडियो नहीं है, मेरे चैनल पर कोई भी फेक वीडियो नहीं आता, जो चीज़ असली होगी वो असली ही दिखाऊँगा मैं। इसे मैं चारों तरफ भी लगा लूँगा, इसे मैं चारों तरफ लगा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। कि मैं चारों तरफ लगा लिया तो भाई लोग ये हमारा पूरा चेसिस रेडी हो चुका है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारा चेसिस हो गया। आपको भाई लोग 12 अगस्त को वेबसाइट लोकोमोटिव का पार्ट और वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए कहा चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल बजा के सेट कर देना, जैसे ही मैं वेब 7 लोकोमोटिव का पार्ट 4 वीडियो डालूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।